नमस्कार दोस्तों, शिक्षण विधियों का ये तीसरा वीडियो है, तीसरी क्लास है। और पहली दो क्लासेज में हमने परीक्षा अनुभविक साक्ष्य देखे और दूसरे में शिक्षण सहायक सामग्री देखी। 15 मिनट का अपना वीडियो चल रहा है सीरीज, और लगभग 10 दिन में हम ये दोनों जो इकाइयां हैं, जो कि 10 नंबर की है, वो हम कंप्लीट कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी और कंबाइंड PDF आपको यस गुरु ऐप पर मिलेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि यस गुरु ऐप के ऊपर रीट के लिए बहुत ही शानदार, बेहतरीन, उम्दा प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है, जिसमें 5000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह हम रीट के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं। SP शोरान सर के मार्गदर्शन में जो यस गुरु की टीम है, उसने प्रश्न तैयार किए हैं। RBSC NCERT कक्षा 6 से 12 तक के जो सामाजिक है, विज्ञान है, हिंदी है, मनोविज्ञान है, आप देखें एक बार ऐप पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गूगल प्ले स्टोर पे आप लिखें यस गुरु। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं सर्वे सामग्री। तो दोस्तों इसमें क्या है कि हमने पहले देखा दृश्य सामग्री, यानी कि वो चीज़ें जो कि दिखाई देती है, तो वो दृश्य सामग्री है, चाहे चार्ट हो, कोई मॉडल हो, ठीक है, ये ग्लोब हो। अब सर्वे सामग्री, सर्वे सामग्री का मतलब जो सुनाई दे बच्चों को, जिसमें आवाज़ आए, जैसे रेडियो चला दिया, रेडियो पे आकाशवाणी चला दिया, कई बार मोदी जी भी संबोधित करते हैं ना, अनिवार्य भी किया था, 2-1 साल पहले सुनाया था। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन क्या होता है आपने देखा होगा, वो मंदिरों के ऊपर माइक से लगे होते हैं ना, वैसा सा होता है। तो जिस शब्द के पीछे फोन नाम आए, फोन, तो समझ लेना उसमें आवाज़ आ रहा है, फोन का अर्थ ही वो वॉइस सिंग है। टेप रिकॉर्डर, यानी टेप चलती है, गाने वाने चलते हैं, आजकल तो ये ज़माना गया इनका, क्योंकि अब तो मोबाइल में आ गया सारा। लिंगुआ फोन, लिंगुआ फोन का आप याद रखना, लिंगुआ शब्द बना है लैंग्वेज से, LANGUAGE लैंग्वेज, तो लैंग्वेज से बना है लिंगुआ, तो ये भाषा से संबंधित है, फोन यानी आवाज़। तो लिंगुआ फोन क्या है, भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए उपयोगी है। असुरक्षित उपकरण किसे कहते हैं दोस्तों, ये मॉडल वगैरह है, जैसे असुरक्षित का मतलब हो गया हाथ से तैयार, चाहे शिक्षक करो चाहे बच्चों की मदद से करो, कोई चार्ट तैयार किया, कोई डायग्राम, कोई मॉडल, तो उसे कहते हैं असुरक्षित, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब है दृश्य सर्वे सामग्री, यानी ऐसी सामग्री जिसमें चित्र भी दिख रहा है, आवाज़ भी आ रही है, जैसे ये आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें चित्र भी आपको दिख रहा है, आवाज़ भी आ रही है, तो ये दृश्य सर्वे सामग्री है। जैसे दूरदर्शन, दूरदर्शन का मतलब यह नहीं कि केवल जो नेशनल डीडी आता ना दूरदर्शन समाचार, वो ही नहीं, दूरदर्शन यानी दूर जो चीज़ है वो दिखाई दे रहा है, दिल्ली में जो हो रहा है वो आपको घर पे दिख रहा है, अमेरिका में जो हो रहा है घर पे दिख रहा है, यानी कि अंग्रेजी में दूरदर्शन को बोलते हैं टेलीविज़न, TV, टेले यानी दूरविजन, यानी देखना, तो इसमें आज तक इंडिया TV सारे शामिल है, कहने का मतलब टेलीविज़न में जो भी चीज़ें आ रही है वो सब। तो देखो शिक्षण में 40% जो अधिगम होता है हमें, वो दृश्य सर्वे सामग्री से होता है, यानी मान लो हमने कोई चीज़ पढ़ी तो उसका 40% हमें वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है जो दृश्य सर्वे हो, दृश्य सर्वे चीज़ें 40% तक याद रह जाती है, शब्द वाले इतने याद नहीं रहते। आपको याद है ना बचपन में, चाहे कितने छोटे होंगे, आपने अगर फिल्म देखी है तो याद रहती है, बच्चों को फिल्म बहुत जल्दी याद होती है, क्यों, क्योंकि उसमें स्टोरी भी आ रही है, म्यूजिक भी आ रहा है, चित्र भी दिख रहे हैं, कंप्यूटर भी इसी में है, चलचित्र, फिल्म, चलचित्र, चित्र चल रहा है यानी फिल्म, नाटक, ड्रामा, कोई मंच के ऊपर थिएटर में हुआ, मोबाइल में जिस चीज़ वही है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है उसमें भी वाच चित्र है, यूट्यूब भी हम ले सकते हैं इसको। अब है दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री हालांकि हमने पहले देख ली थी पहले वाली क्लास में, मगर प्रोजेक्टर को हमने छोड़ा था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने यहाँ टिक लगाया है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट जहाँ थोड़ा कंफ्यूज होता है ना, वहीं से वो प्रश्न बनाते हैं। अब सीधा तो पूछेंगे नहीं कि श्याम पट कैसी सामग्री है, और कई बार इतना सीधा पूछ लेना तो भी वहाँ ध्यान रखना, वहाँ टेढ़े नहीं होना है कि यार इतना सरल तो क्या पूछा होगा, सरल पूछ लिया तो कोई बात नहीं, तो उसका उत्तर सरलता से देना है। जादू की लालटेन, मैजिक लेटर्न, इसमें क्या होता है कि आप चित्र देख लो, जैसे कि एक ये ऐसे डब्बा सा होता है, कैमरा सा, आगे एक लेंस लगा होता है, ऊपर को पकड़ने के लिए होता है, इसमें क्या है, कांच की स्लाइड लगाते हैं, स्लाइड आप जान गए होंगे, जैसे वो उसमें रख दी, उसके ऊपर चित्र वित्र कोई बना हुआ है, तो वो जो चित्र है वो सामने दीवार पे बड़ा दिखाई देगा, बस सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, पहला प्रोजेक्ट था, यानी एक नया आविष्कार था, कोई 100-150 साल पहले हुआ होगा, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा चल गया। अब इसको अनपढ़ लोगों ने जादू बोल दिया कि जादू, देखने में लालटेन जैसा कि जादू की लालटेन, बाकी है ये प्रोजेक्टर ही है ये, ठीक है। हम लोग भी छोटे थे ना, तो हम क्या करते थे, जैसे कमरा बंद कर लिया तो कमरे में थोड़ी सी धूप आती थी खिड़की से, उस धूप में एक शीशा रख लिया, शीशे का वो पड़ता ना फोकस, जिसको चिलका बोलते हैं ऐसे मारवाड़ में,
तो वो जो चिल्का है उसका वो पड़ता सामने दीवार पे, ठीक है, कमरा बंद है, सामने की दीवार सिंगल वाइट दीवार थी। अब हम क्या करते हैं, वो होता है ना पावर वाला कांच बोलते हैं उसको, सूक्ष्मदर्शी, थोड़ा बीच में से मोटा, साइड से किनारे पतले, उत्तर लेंस, तो वो रखा और उसके पीछे रील, जैसे पहले क्या सिनेमा हॉल में से वो कहीं मिलती थी ऐसे छोटे छोटे रील नेगेटिव के जैसे सी ऐसी, उसमें साइड में ऐसे दो कट से होते हैं और बीच में जैसे मान लो फिल्म का सीन है, जैसे धर्मेंद्र है बीच में, ठीक है, और अमरीश पुरी है, दोनों है फोटो। अब वो उसमें तो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट से देख रही है, छोटी सी देख रही है, मगर उसको पावर के कांच के पीछे लगाया और वो पड़ रहा है, तो सामने से पूरे दीवार पे धर्मेंद्र आ जाता। तो वो क्या था, वो था जैसे एक तरह से प्रोजेक्टरी हो गया एक प्रकार से। तो ये जादू की लालटेन तो थोड़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से था, वो एक देसी जुगाड़ था। अब है डाइस्कोप। डाइस्कोप का क्या मतलब होता है, हम इसी को डाइस्कोप कह सकते हैं। इसमें पारदर्शी स्लाइड, जैसे कांच है तो उसमें आर पार दिखाई देता है, तो कांच की इसमें लगती है। जिलेटिन के घोल से उसको तैयार किया जाता है, चित्र बनाया जाता था, आजकल अब नहीं चलती, मगर आपको याद रखना है, पुरानी चीजें हैं तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भाई जितने भी प्रोजेक्टर है ना वो दृश्य है, क्योंकि किसी में लगभग आवाज किसी में नहीं आती, चित्र दिख रहे हैं, ठीक है, प्रक्षेपी है, क्योंकि नाम ही प्रोजेक्ट का अर्थ ही प्रक्षेपण है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एपीस्कोप, एपीस्कोप में क्या है, डाइस्कोप, एपीस्कोप, ये स्कोप, स्कोप जितने भी है ना प्रक्षेपण यंत्र है ये। एपी में है अपारदर्शी, ठीक है, और डाइस्कोप पारदर्शी। तो अपारदर्शी स्लाइड का प्रयोग इसमें होता है। सीधे ही पुस्तक या सूक्ष्म जीव, जैसे मान लो सूक्ष्म जीव है कोई, कीड़ी है, इल्ली है, उसको उसके ऊपर रखी, तो वो जैसे फोटोकॉपी मशीन होते हैं ना पन्ना रखते हैं, वैसे होती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ऊपर रखा तो वो जूम होके और सामने पर्दे के ऊपर बड़ा दिखेगा। तो बच्चों को सीधा कोई किताब रखी उसमें छोटा नक्शा है तो वो सामने बड़ा हो जाएगा। एपी डाइस्कोप, अब एपी और डाई दोनों है इसमें, तो ये पार और अपारदर्शी दोनों इसमें, यानी कि सीधा भी अपन रख सकते हैं पेज और उसके अलावा इसमें स्लाइड भी लगा सकते हैं, तो टू इन वन है। तो इसमें देखो दो लेंस इसमें लगे हुए हैं इस टाइप से। हालांकि परीक्षा में आपसे कोई चित्र वित्र तो पूछेंगे नहीं, मगर आपको प्रोजेक्ट याद रखना है, जितने भी स्कोप स्कोप कौन सी सामग्री है याद रखना है, दृश्य और प्रक्षेपी, दो शब्द याद रखना है, दृश्य और प्रक्षेपी प्रोजेक्ट के आगे। बस सिरोपरि प्रक्षेपण यंत्र, सिरो मतलब सिर के ऊपर से, तो इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर बोलते हैं इसको, ओएचपी। इसमें आप देखो चित्र भी मैंने बनाया, आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये यहाँ पे गुरुजी बैठे हैं बच्चों की तरफ मुंह करके, सामने टेबल है, टेबल के ऊपर ये रखा हुआ है प्रोजेक्टर, ये प्रिंटर के जैसा सा, ऊपर इसके ये लाइट सी कोई लगी हुई है, इससे किरणें गुरुजी के ऊपर से जा रही है। जैसे मान लो मैं बैठा हूँ आपकी तरफ और सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ है, पीछे मान लो बोर्ड है, तो ऊपर से, क्योंकि बीच में से कहाँ से जाएगी, तो ऊपर से जा रही है, थोड़ा ऊपर है, तो बच्चों को दिख रहा है कि पीछे मान लो नदियाँ वदियाँ, भारत का नक्शा, और इधर से हम कुछ लिखेंगे उस पर तो वो भी वहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ दिख जाएगा। तो चीज़ तो शानदार थी वैसे ये। तो सिरोपरि या ओएचपी, ओवर हेड प्रोजेक्टर, ठीक है, तो ये क्या है, बोले प्रक्षेपी यंत्र है, कैसी सामग्री है, दृश्य है। फिल्म स्ट्रिप, फिल्म स्ट्रिप में ऐसे फिल्म सी, वो मैंने जैसे आपको बताया हम प्रयोग करते थे, तो वैसे कोई फिल्म विल्म कोई होती है, कोई चित्र होता है, उसको सीधा बड़ा करके दिखाया जाता है, लूप पास, ये भी ऐसा होता है। तो उक्त प्रक्षेपिक दृश्य सामग्री है, यानी पर्दे पर या बोर्ड पर दिखाई जाएगी, सीधा उसको नहीं दिखाएंगे, सीधा उसमें दिखाएंगे बच्चों को उस दिखेगा नहीं, मशीन में छोटी सी चीज़ है, उसको बड़ी करके दिखाना, जूम करके दिखाना, समझ में आ गया होगा, दृश्य प्लस प्रक्षेपी, दो शब्द आपको याद रखने हैं। अब क्रियात्मक सामग्री जिसमें एक्टिविटी हो, जैसे नाटक, ठीक है, मंच के ऊपर नाटक किया, 15 अगस्त, 26 जनवरी करते हैं ना, तो वो चीज़ें याद रहती है। पर्यटन गए घूमने, देखा अपन ने कोई फैक्ट्री देखी, कोई बांध देखा, कठपुतली मंचन होता है, म्यूजिक होता है, डांस वांस होता है, सब सम्मेलन है कोई, कवि सम्मेलन वगैरह, और मेले है, प्रदर्शनी है, उत्सव है, ये सब गतिविधियों वाले हैं। अब पूछे कैसे हैं, तो दृश्य सर्वे दोनों है वैसे, हालांकि यहाँ से दृश्य सर्वे का नहीं पूछा जाएगा। हार्डवेयर, कठोर चीज़ें, जैसे रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, टेप, डीवीडी, सीडी, ये सब हार्डवेयर है, जैसे मान लो स्पीकर तो हार्डवेयर है ये, ठीक है। अब ऐसे ही सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का मतलब है कि इनकी तुलना में थोड़ा सॉफ्ट, जैसे पुस्तकें, समाचार पत्र, मॉडल, चार्ट, आरेख। अब आप कह रहे कि कोई पत्र का मॉडल बना हुआ है, तो वो ये सब सॉफ्टवेयर में माने जाएंगे, छोटी चीज़ें हैं। मशीनरी जो है ना वो लगभग हार्डवेयर में है, और मशीनरी के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम, वो वैसे कंप्यूटर की भाषा में उसे कहते हैं। अब TLM, टीचिंग लर्निंग मेथड के चयन का सिद्धांत, ये सरकारी स्कूलों में इनके अलग से हर साल कुछ सरकार पैसे भी देती है, 500-1000 रुपये शिक्षक को TLM सामग्री खरीदने के लिए, चार्ट वार्ट वगैरह खरीद सकें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना,
और मैं चाहूँगा इस वीडियो पे कम से कम थोड़े रखते हैं, चलो 200 लाइक, ठीक है 200 लाइक आ जाएंगे तो जो है दिल खुश हो जाएगा। बाग बाग छात्र केंद्रित, ठीक है सर, यानी कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित होने, ये नहीं कि गुरुजी को अच्छा लग रहा है, बच्चों को अच्छा लगना चाहिए। सरल सहज शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, यानी हम जो चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आनी चाहिए, केवल कोई जरूरी नहीं कि केवल दिखावे के लिए लाएं। रुचिकर हो और प्रासंगिक हो, यानी विषय से संबंधित हो। तो अगर आप YouTube चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। रिवीजन मैं बता दूं आपको, इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, कंबाइंड PDF जब हो जाएगी तैयार 20-25 पेज की तो यस गुरु ऐप पे मिलेगी। रिवीजन परंपरागत शिक्षण सामग्री में जैसे पुस्तक है, परंपरागत है ना तो जरूरी है, सदियों से चली आ रही है, बोर्ड है और वास्तविक वस्तुएं हैं, जैसे मान लो बच्चों को एप्पल के बारे में बताएं तो वास्तव में एप्पल दिखा दी। अब आजकल तो एप्पल के मॉडल आ गए, अब आजकल मान लो बच्चों को एप्पल लाके दें तो कितने लाके दें, खा जाएंगे वो, तो उनको वो मॉडल टाइप के या तस्वीर वस्वीर इस तरह से। यांत्रिक दृश्य सामग्री, तो यांत्रिक है यानी यंत्र वंत्र मशीन है और दिखाई दे रही है, तो सारे प्रोजेक्टर इसमें आ गए, इसमें ML यानी मैजिक लेटर्न है, OHP है, एपिडाइस्कोप वगैरह है, सारे दृश्य सामग्री में आ गए। अप्रक्षेपित, अप्रक्षेपित में जैसे जो चीज़ें हम पर्दे पर नहीं दिखा सकते सीधे दिखाते, जैसे चार्ट वार्ट वगैरह जो भी है, श्याम पट चार्ट, मॉडल डायग्राम, टेप रिकॉर्डर, ये हाँ टेप रिकॉर्डर किसमें, अप्रक्षेपित सर्वे सामग्री में टेप रिकॉर्डर, रेडियो इत्यादि। तो अब हम थोड़े से इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपके ज़्यादा दिक्कत नहीं हो देखने में, मोबाइल पे आंखों आंखों पे जोर नहीं पड़े, ठीक है। निम्न में से सर्वाधिक प्रभावी टीचिंग एड कौन सा है बताओ, प्रभावी, सर्वाधिक प्रभावी, चार्ट है, फील्ड ट्रिप है, कलर्ड चाक है या फिल्म स्ट्रिप्स है, यानी फिल्म देखने से प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा या फिर क्षेत्र में भ्रमण करने से। तो देखो सबसे ज़्यादा तो क्षेत्र भ्रमण है, फिल्में मान लो एक सीन दिखाया है झील का या मान लो कश्मीर का, एक आप कश्मीर जाके आ गए तो फील्ड ट्रिप तो सबसे ज़्यादा है ना। निम्न में से किस विकल्प में सहायक सामग्रियों उनके प्रभाव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है बताओ, जैसे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, सबसे कम किसका पड़ता है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, वीडियो को पॉज करके देख लो, चलो चारों एक साथ दिखा देते हैं इसके। थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा। तो देखो आप इसमें देखो शब्द, ठीक है केवल शब्द, ये इधर आ जाएगा। वैसे अप्रक्षेपित सहायक सामग्री, अप्रक्षेपित का मतलब चार्ट वगैरह, उसके बाद में प्रक्षेपित का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो थोड़ी बड़ी होती है, जूम हो जाती है, फिर प्रत्यक्ष अनुभव सहायक सामग्री, तो प्रत्यक्ष का तो सबसे ज़्यादा है ही, तो बढ़ता क्रम हो गया। किस सहायक सामग्री को विद्यालय में शिक्षक का परम मित्र तो अति आवश्यक, तो ये क्या है ये आप जानते हैं, श्याम पट, ठीक है। डेल के शंकु में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर सहायक सामग्री की प्रभावशीलता क्या होती है बताओ, डेल का शंकु आपको याद होगा, तो उसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इसमें क्या होगा, बढ़ती जाती है, जैसे ये शंकु है, ठीक है, और ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रभावशीलता, नीचे इस चौड़ाई ज़्यादा है ना तो प्रभाव ज़्यादा है तो बढ़ती जाती है, ठीक है। चलो इनको थोड़ा छोटा ही ठीक रहेगा, कंफ्यूजन हो रहा है। फिर आगे देखते हैं अपन अगला प्रश्न। ठीक है, निम्न में से किस उपकरण को कंप्यूटर, 10% आप चिंता नहीं करें सुन ले, वह इंटरनेट द्वारा जोड़कर अध्यापन कार्य कराया जाता है, कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, किसको, एपिडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर या ग्रामोफोन, तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा LCD प्रोजेक्टर, ठीक है इसे हम जोड़ सकते हैं। 1946 में ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग, ठीक है, कॉर्न ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव शंकु किसने प्रस्तुत किया, ये जो है ना ये कौन, कौन का नाम लेते हैं, आइसक्रीम याद आती होगी आपको तो ना, तो किसने प्रस्तुत किया, एडगर डेल ने। चलो आप इसमें ये बताओ कि इसने इसके कितने स्तर बताए, कमेंट करो देखें कितने बताए। DLP का पूरा नाम लिखिए,
तो डीएलपी का पूरा नाम क्या है? डॉल्बी, तो डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर। एलसीडी का पूरा नाम बताइए, एलसीडी, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। निम्न चित्र उदाहरण है, यहाँ चित्र तो देखो आया नहीं, जैसे मान लीजिए ये बताया कि सिंधु घाटी है, ठीक है, ये इसका जैसे शहर व्यवस्था, ये ग्रामीण व्यवस्था, फिर इसके दो भाग आ गए, ठीक है, ये इसमें सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन वगैरह वगैरह, तो ये क्या है? तो वैसे ये प्रत्यय मानचित्र है, संप्रत्यय मानचित्र। शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षिक प्रभावशीलता को किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? तो शंकु के, शिक्षण सहायक सामग्री की प्रभावशीलता, तो ये शंकु के द्वारा ही किया गया है। अभी भी इसमें और प्रश्न है क्या? चलो अभी हम इसमें इतने देखेंगे, क्योंकि अपना 15 मिनट का पूरा फिक्स है, फिर इसके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।